हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल अगेन। चलिए लड्डुओं की रेसिपी लेकर आई हूँ, स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में देखें और अनुपात आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा भी सकते हैं। सबसे पहले सूखे पैन में मैंने पॉपी सीड्स को हल्के से रोस्ट किया है। उसके बाद उसी पैन में मखाने और देसी घी डालकर फ्राई कर लें। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसके बाद उसी पैन में फिर से एक चम्मच देसी घी डालकर काजू, किशमिश, बादाम, ग्रेटेड नारियल सबको बारी बारी रोस्ट करते जाएं। और इन सबको रोस्ट करने के बाद मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। आप चाहें सिल पर पीसें या मिक्सर में, ये आपकी इच्छा है। इस मौसम में हमें इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ हेल्दी खाने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए ये लड्डू बेस्ट हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। इसमें आप मगज भी ऐड कर सकते हैं। मैंने खजूर यूज़ किए हैं, आप खजूर की जगह छुआरों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेवा हमारी फ्राई हो गई है। अब इसी पैन में आटा और घी डालकर गोल्डन होने तक रोस्ट करेंगे। आटे में से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और कलर और टेक्सचर खुद बता देगा कि आटा भुन गया है। उसको गोल्डन करें। इतनी देर में हमारी सारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो जाएंगे, जिन्हें हमें पीस लेना है। आटे में कलर आ गया है। इतनी देर में हमारे ड्राई फ्रूट ठंडे हो चुके थे। मैंने चीनी का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसमें मिश्री यूज़ कर सकते हैं। चीनी को एक बार पीसने के बाद उसमें इलायची डालकर दोबारा पीस दिया है, ताकि इलायची खुशबू तो दे पर मुंह में ना आए। आटा गरम गरम थाली में पलट लें और उसी में सारे पिसे हुए मेवे, पिसी हुई चीनी ऐड करते चले जाएं। अब बाकी बचा हुआ घी इसी में डाल देंगे। अभी आटा गर्म है, इसलिए मैं इसे स्पून की मदद से मिक्स कर रही हूँ। हल्का ठंडा होते ही इसे आप हाथों से मिक्स करते जाएं और लड्डू बनाते चले जाएं। शेप और साइज आप अपनी अकॉर्डिंग रखें।
लीजिए, हो गई एक हेल्दी रेसिपी तैयार, जो कि शुद्ध होने के साथ साथ सात्विक तो है ही, भोग प्रसाद में भी यूज कर सकते हैं और बच्चों के लिए तो रामबाण औषधि है। तो फिर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आपके कमेंट का मुझे वेट रहता है। और एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय करें। बाय बाय।